दोस्तों हमारे बगल में मात्र 21 साल के रोसड़ा के लाल आदर्शाचार्य महाराज जी, और दोस्तों मात्र 21 साल के उम्र में इनके ऊपर कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति चाहिए कि सारा मोह माया छोड़ करके ये पूरे दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी इनके ऊपर चढ़ी कि घर द्वार छोड़ करके ये वृंदावन चले गए। वहाँ अनिरुद्धाचार्य जी के शरण में जा करके साल भर इन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद पूरे श्रीमद् भागवत गीता को इन्होंने कंठस्थ कर लिया, और इस तरह से कंठस्थ किया कि एक कलम के सहारे इन्होंने पूरे डायरी पर अपने हाथ से भागवत गीता को लिख दिया। और देखिए हाथ में लड्डू गोपाल है, गले में श्री राधा की माला है, और मात्र 21 साल उम्र है, माथे पे तिलक चंदन लगाए हुए हैं, और 21 साल की उम्र में पूरे क्षेत्र में इनको लोग बुलाते हैं भागवत कथा करने के लिए, और जहाँ भी जाते हैं भागवत कथा सुनाते हैं, लोग मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। 21 साल उम्र है महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। एक चीज़ बताइए, आपसे बड़े हम हैं उम्र में, हमको तो ये भक्ति भाव और रस नहीं चढ़ा, ऐसा क्या हो गया कि सारा इस सुख सुविधा सांसारिक सुख छोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया, लड्डू गोपाल जी का जप कर रहे हैं? देखिए जब कोई युवा दोनों हाथ उठा करके कहता है जय जय श्री राधे, तो भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अच्छा। क्योंकि बुढ़ापे में सब जाता है भगवान के शरण में। बुढ़ापा में आपका पैर काम नहीं करेगा, घुटना काम नहीं करेगा, कान आपका काम नहीं करेगा, आँख से दिखना बंद हो जाएगा, तब कौन आपको रखेगा? कोई कर्मचारी आपको रख सकता है ड्यूटी पे? नहीं, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? जब आपका कान सही है, जब एक युवा जो दुनिया का हर एक काम कर सकता है वो जब भगवान के शरण में जाता है तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के उसको गले लगाते हैं। और कोई बुढ़ापा सारा शरीर से लाचार होने के बाद भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान उसको कभी भी अपनाते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सारी उम्र तुमने अपने भोग विलास में लगा दिया, लेकिन अब जब तुम्हारा शरीर लाचार हो गया तब तुम आया हमारे शरण में। लेकिन फिर भी 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, कहीं ना कहीं ये सब तो सांसारिक आनंद लेने का समय है, बाद में जुड़ जाते, ये उम्र में तो कम से कम नहीं जुड़ते। नहीं, भगवान की कृपा है, हम भी एक साल पूर्व से ही सेवा किए हैं प्रभु का, सेवा का ही चमत्कार है कि आज भागवत कथा भी। एक चीज़ बताइए, बहुत सारा चीज़ होता है हम लोग आनंद लेने के लिए करते हैं, आप लड्डू गोपाल के शरण में लगे रहते हैं पूरे दिन, आपको आनंद मिलता है इसमें? जी पूरा पूरा आनंद मिलता है, इसके अलावा दुनिया में आनंद कहाँ है? भगवान का नाम ही है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद घन है, भगवान का नाम से बड़ा कोई आनंद नहीं है धरती पर, इसको फील जो करेगा वही समझ सकता है। और निश्चित रूप से दोस्तों बहुत कम उम्र के लड़के सन्यासी बन जाते हैं, इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, और निश्चित रूप से लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के सेवा में लग जाते हैं। अपने रोसड़ा में ये नई बात है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम लोग होंगे या जानते होंगे, क्योंकि कोई इतने कम उम्र में सन्यासी बन जाए और भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से जुड़ जाए। आप पूर्ण रूप से इस तरह से जुड़े हैं कि खुद भी पूजा पाठ करते हैं और लोग प्यार से इनको बुला करके भी ले जाते हैं भगवत कथा करवाने के लिए। जी हुँ? जी बिल्कुल, भगवत कथा करवाते हैं जी। आपका वीडियो वीडियो देखे, आप कथा सुना रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, आए पूरा कंठस्थ है आपको भागवत जी? बिल्कुल कंठस्थ है, प्रभु का कृपा है, कंठस्थ है। ये जो लिखे हैं कहाँ लिखे, कब लिखे भागवत कथा अपने हाथ? ये हम अपने दुकान पे ही बैठ करके लिखे हैं, मेरा दुकान है मिश्रा पूजा घर ब्लॉक रोड में, हम अच्छा, उसी पे बैठे बैठे लिखे हैं इनको। अच्छा, जो जो हमको याद आता गया हम लिखते गए। अच्छा, उसको अच्छा, अच्छा। और एक दिन आया पूरा सप्तम दिवस का, पूरा एक दिवस से लेके सातों दिवस का भागवत आज हम अपने हाथ। कंठस्थ है आपको? जी बिल्कुल। अगर आप कथा सुनाने बैठिएगा तो कहीं आप डायरी किताब नहीं? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ श्लोक का उच्चारण शास्त्र में दिया है कि भले देख करके श्लोक पढ़ें लेकिन अशुद्ध ना पढ़ें, इसीलिए चाहे हनुमान चालीसा पढ़े बिल्कुल कंठस्थ है लेकिन उसको देख करके ही पढ़ना चाहिए, शास्त्र का आज्ञा है। निश्चित रूप से दोस्तों ये रोसड़ा के लिए गर्व का विषय है कि हमारे रोसड़ा में ऐसा युवा है जो बिना देखे भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार है और सुना रहे हैं। बड़े बड़े कथावाचक आते हैं तो आगे में भागवत श्रीमद् भागवत रखा रहता है और देख देख के बोलते हैं, कुछ देखते हैं कुछ बोलते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है भगवान की साधना में लीन होकर, क्योंकि जब ये आप किताब देखिएगा कॉपी देखिएगा तो सब मन जो है सो आपका टूटेगा भगवान से, है कि नहीं? और जब आप दिल से सुनाइएगा तो भगवान से जुड़ करके आप कथा सुनाइएगा। अभी जो आप सुनाने के लिए गए तो आपका उम्र तो ज़्यादा नहीं है बाबा हुआ वाला, तो लोग को जोड़े कैसे हो आप अपने आप से कि ऐसे ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं? वो प्रभु का कृपा कह सकते हैं इसको, और कुछ नहीं है, हमारे में क्षमता नहीं है कि हम इतने लोग को जुटा सके। पहले दिन 50 लोग थे, पहला प्रयास था, दूसरे दिन 100-150 हो गए, और अंतिम सातवें दिन 700 लोग का अटेंडेंस रहा। राधा रानी का बहुत बड़ा कृपा है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से दीक्षा लिए हैं? जी जी। कहाँ पे? गुरु जी वृंदावन में, उन्हीं के गौरी गोपाल सेवा संस्थान में। अच्छा अच्छा। कितना दिन रहे थे?
करीब 10 दिन दीक्षा के लिए रहे और एक वर्ष नवंबर में हम 2023 में नवंबर के समय में दीक्षा लिए, एक वर्ष उनके शरण में रहे। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं और निश्चित रूप से उनका जो मिशन है कि लोगों को भगवान से जोड़े, भगवान कृष्ण से जोड़े, वृंदावन से वो मिशन चला रहे और अपने रोसड़ा समस्तीपुर में आदर्शाचार्य महाराज जी चला रहे। और निश्चित रूप से दिखाने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि इस उम्र में जहां ज़्यादातर युवक गलत रास्ते पे चला जाते हैं, नशा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे में ये प्रेरणा स्रोत है कि कोई भी गलत आदत, कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का मांस का भक्षण और कोई भी तरह का गलत व्यक्तित्व, गलत व्यवहार इनके अंदर में नहीं। और जो चीज़ इनके अंदर में है यही सारा चीज़ समाज के सभी युवाओं में जाना चाहिए। इसी मैसेज के साथ दिखा रहे हैं जब 21 साल के उम्र में ये इतना पवित्र मन से लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को आत्मसात कर सकते हैं तो दूसरे युवा काहे नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों बाहर से कथावाचक को बुलाते हैं कथा करवाने के लिए, दुर्गा पूजा में, अन्य पर्व में, त्यौहार में, तो हम निश्चित रूप से आग्रह करेंगे कि अपने रोसड़ा के लाल हैं आदर्शाचार्य महाराज जी, इनका नंबर ऊपर में दिया गया है, इनसे संपर्क कीजिए। और दोस्तों कथा कहने का, कथा सुनाने का, कथा बताने का विधि विधान होता और पूरे तन्मयता से, पूरे कंठस्थ जो है सो बिना अशुद्धि से कथा बताया जाता, लेकिन बार बार ऐसा देखा जाता है कि कथावाचक गलती करते हैं। ऐसे में कथा बोलने वाले के साथ साथ कथा सुनने वाले को भी किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में आदर्शाचार्य महाराज जी को कंठस्थ भागवत गीता और ये जो सुनाते हैं पूरा विधि विधान से सुनाते हैं, जिससे ये होता है कि जितने लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं सबको सीधा लाभ होता है भगवान कृष्ण के आशीर्वाद का। और एक इधर घटना हुआ है हाल में ही कि एक जगह पे कथा सुना रहे थे और जैसे ही कथा समाप्त हुआ, बारिश नहीं हो रही थी 7 दिन से, पूरा कड़ा धूप था, और जैसे ही कथा समाप्त हुई आदर्शाचार्य महाराज जी की, पूरा झमाझम मूसलाधार बारिश होने लगा। जी जी, मालीपुर की घटना है, मालीपुर दुर्गा स्थान गढ़पुरा प्रखंड के अंतर्गत। जी, उस दिन कथा में 7वें दिवस में जैसे ही हमने कहा कि इस प्रकार भगवान ने अपना स्वरूप समेट करके भागवत जी में प्रविष्ट हुए, उतने में ही बरसाने वाली ने अपना कृपा बरसाना प्रारंभ कर दिया। बोल जय जय श्री राधे। अच्छा चलिए, ये तो आदर्शाचार्य महाराज जी आपका परिचय दिए, हमको ये बताइए कि एक युवा भगवत गीता से क्या सीख सकता है? और ऐसे लोग जो पंडाल में आकर के बैठते हैं, भगवत गीता सीखते हैं, उसको भगवत गीता सुनने से क्या लाभ होगा? जी, भागवत जो है, भागवत का जो नाम है भागवत, भागवत में चार अक्षर है, चार अक्षर के समावेश को भागवत कहते हैं, भागवत। भ का क्या कहना है कि जिस कथा के श्रवण करने मात्र से हमारे भाग्य बदल जाते हैं, भाग्य के जो सोए हुए ताले हैं वो खुल जाते हैं, वो है भागवत। दूसरा है ग, जिस कथा के श्रवण करने से हमारे अंदर का गुमान मिट जाता हो उसको भागवत कहते हैं। तीसरा है वो, जिस कथा के श्रवण करने मात्र से हमारा अध्यात्म बल बढ़ जाता है उसको भागवत कहते हैं। और तीसरा है तो, जिस कथा के श्रवण करने मात्र से हमारी तकदीर बदल जाती है उसे भागवत कहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भागवत जो सुनाए वो पूरा विधि विधान से सुनाए। जी देखिए, मूल भागवत जो अगर श्रवण नहीं करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। दुनिया में सिर्फ श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा साधन है जो 7 दिन में आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष दे सकता है। और जब तक हम मूल भागवत को नहीं श्रवण करेंगे तब तक हमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आजकल के कथावाचक जो भी हैं वो चाहे वरिष्ठ पद पे भी हैं लेकिन मूल से भटक जाते हैं, कारण गांव देहात का या कहीं का आसपास का कहानी कहने लग जाते हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। मूल भागवत जो है वही सुनेंगे तभी कल्याण होगा। भागवत श्रवण करने से 3 चीज़ बढ़ती है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। अगर आपको भक्ति बढ़ानी है अपने जीवन में तो भागवत जी श्रवण करना चाहिए। जैसे किसी को मान लीजिए शुगर कम हो गया तो उसको शक्कर खिलाने के लिए बताया जाता है, शक्कर खाइए तो आपका शुगर मेंटेन रहेगा। उसी प्रकार भक्ति अगर जीवन में चाहिए तो भागवत जी श्रवण करिए। जो ज्ञान आपको आज तक जीवन में नहीं था वो ज्ञान देने का काम भागवत करती है, इसीलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। दुनिया का जो भी ज्ञान, जो भी भ्रांति फैली हुई है गाँव घर में, लोग कहते हैं ये एकादशी करें, दूसरा एकादशी नहीं करें, दोनों एकादशी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम राम जी को मानते हैं तो हम श्याम जी को भी मानते हैं। एक का जन्म दिन में हुआ था, एक का जन्म रात्रि में हुआ था। राम जी हमारे शुक्ल पक्ष में आए थे, कृष्ण जी हमारे कृष्ण पक्ष में आए थे, इसीलिए जब दोनों पक्ष को हम मानते हैं, दोनों पक्ष के अवतार को, तो हम क्यों नहीं दोनों पक्ष का एकादशी करें। इसीलिए ये भ्रांति फैली हुई है गांव घर में, लोग कहते हैं कि विधवा को ये नहीं करना चाहिए, ये सब गलत भ्रांति है। इसीलिए भागवत सदा सेव्या, इसका कोई दिन मुहूर्त नहीं होता है, हर समय सुनने योग्य है।
इसीलिए भागवत श्रवण, भागवत का कुछ श्लोक उश्लोक महाराज जी सुनाइए जी। अथाह श्लोक है महाराज, 18 कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। पहला ही श्लोक सुन लीजिए, उसका अर्थ भी हम आपको बता देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद है, जिसको आनंद साक्षात कहते हैं। आनंद इसमें नहीं है कि हम भोजन किए उससे हमको आनंद मिला, कोई चीज़ हमको पसंद है, मिठाई पसंद है, हम मिठाई खाते हैं लेकिन एक दिन उससे हमारा आनंद समाप्त हो जाएगा। कितना खाएंगे? 100 पीस खाएंगे, उसके बाद उससे हमारा मन परिपूर्ण, जिससे कभी हमारा मन परिपूर्ण नहीं हो उसको आनंद कहते हैं। वही आनंद स्वरूप हमारे भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व के उत्पत्ति के एकमात्र कारण है, वही है श्रीमन्नारायण। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और फिर ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि से चार ऋषि आते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया आप सृष्टि करो, तो ये लोग इनके पुत्र हो गए, जिनसे जिनका उत्पत्ति होता है वे उनके पुत्र हो गए। विज्ञान बहुत परेशान है कि सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई, हम बता रहे हैं वेद प्रमाण है, ये बताते हैं कि सबसे पहले जब कुछ नहीं था दुनिया में तो भगवान नारायण थे, इनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी संकल्प सृष्टि करते हैं जिसमें चार ऋषि होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और जब इनसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सृष्टि का आरंभ करें, सृष्टि को बनाएं, तो ये लोग कहते नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम हरि का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उस कोप से उनकी जो भ्रिकुटी है ये टेढ़ी हो गई और इससे हमारे रुद्र साक्षात महादेव उत्पन्न हो गए। तो महादेव कौन हो गए? ब्रह्मा जी के पुत्र, नारायण के पौत्र, नहीं मतलब नारायण के पोता। लेकिन लोगों को अभी इस चीज़ की जानकारी किन्हीं को नहीं है, महादेव के अगर पिता का नाम पूछा जाए तो किसी को जानकारी नहीं है। तो इस तरह की अनेक जो है ज्ञान का भंडार है भागवत। अंतिम श्लोक महाराज जी सुना, अंतिम श्लोक में यही है कि मतलब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो मतलब भगवान सारे सृष्टि में कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, किसी वृक्ष को सींचने से अच्छा है उसके जड़ में पानी दो, सब पूरे डाल पत्ते को बराबर पानी मिल जाएगा। तो भगवान नारायण उस वृक्ष के जड़ हैं और सारे देवता उस वृक्ष के पत्ते हैं। और देखिए 21 साल की उम्र में पूरा भागवत कंठस्थ है इस युवक को, और युवक न कह के महाराज कहे, आचार्य कहे, क्योंकि पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के और अपने ठाकुर जी को दिन रात पूजते हैं और पूजने के साथ साथ समाज में भागवत के जरिए ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि युवाओं को जो रास्ता भटक गए हैं, समाज जो रास्ता भटक गया है, उसको भागवत के रास्ते पे चल करके, धर्म के रास्ते पे चल करके एक सुंदर समाज बनाना है, सुंदर युवा बनाना है, सुंदर विचार के साथ सुंदर युवा समाज की समाज का निर्माण करना है। और इतने कम उम्र में इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और देखिए कितने प्यार से ये लड्डू गोपाल को रखे। और निश्चित रूप से लड्डू गोपाल को पूजने का चलन अभी काफी बड़ा है, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हैं। और जो लोग इनसे जुड़े हैं ये बता रहे थे अभी कि जो प्रेम, जो भाव, जो आनंद इनके साथ जुड़ने से है, दुनिया में किसी भी भौतिक सुख का आनंद इनके जैसा नहीं। इनका नाम ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद से जो आनंद मिलेगा वो किसी चीज से आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो 21 साल के उम्र में आज आदर्शाचार्य महाराज जी ये आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण से जुड़ करके। तो आप भी इनके शरण में आइए और इनसे संसर्ग में आकर के आप भी जो है सो ठाकुर जी से जुड़िए, सच्चिदानंद से जुड़िए, इनके माध्यम से जुड़िए और आप भी इस आनंद को एक बार प्राप्त करके देखिए। तो इनसे आकर के आप संपर्क भी कर सकते हैं, रोसरा के बगल में है, सैयारडी गांव, दुर्गा मंदिर के बगल में आना है। और मोबाइल नंबर भी आपको ऊपर में दे देते हैं, इनसे बात कर लीजिए और अपने गांव में भागवत कथा करवा करके भी इनके ज्ञान को अपने समाज के सभी लोगों तक पहुंचवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से अपने रोसरा के युवा को अपने गांव में, अपने समाज में, अपने पूजा में, अपने मेला में बुलाइएगा और भागवत कथा का आनंद लीजिएगा और अपने जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव का आनंद लीजिएगा। क्या कहिएगा लोगों को, अंतिम बार बोल दीजिए? अंतिम बात यही कहेंगे कि दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपको 7 दिन में मोक्ष दे दे। और कलयुग का आयु है 432,000 वर्ष। कोई कह रहा है कि एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, ये सब गलत घटना है, जो होने वाला है ये सोई जो राम रची राखा, जो लिखा चुका है पहले से। तो 432,000 वर्ष आयु है कलयुग का, जिसमें पंडित जी
जी महाराज जब हमारे संकल्प करवाते हैं तो उसमें कहते हैं कलयुगे कली प्रथम चरण, तो एक चरण होगा 1,08,000 वर्ष का, चार चरण में कलयुग होगा, 1,08,000 वर्ष बीतना ही बीतना है, जिसमें अभी मात्र 5,200 वर्ष बीता है। 1,08,000 वर्ष में से 1,00,000 तो रखा ही है, 8,000 में से मात्र 5,200 वर्ष बीता है, तो आपको बार बार जन्म लेना है मरना है, या 7 दिन में आपको मोक्ष पा जाना है इस जन्म मृत्यु से। जितने प्राणी हैं 84,00,000 योनिया में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, कुत्ता भजन नहीं कर सकता है, जानवर भजन नहीं कर सकता है, और भजन बुढ़ापे में नहीं किया जाता है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसी को पूछिएगा भैया आप किस तारीख को बूढ़े हुए, कोई नहीं बताएगा, विवाह का तारीख सबको याद होगा, जन्म तारीख याद होगा, लेकिन किस तारीख को आप बूढ़े हुए ये पता नहीं चलता है। तो बुढ़ापा कब आ जाए, कब काल का बुलावा आ जाए, उससे अच्छा है कि 7 दिन अपने जीवन में जरूर निकालें और मोक्ष पा करके इस पृथ्वी का भार हरण करे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अंतिम में निश्चित रूप से देखिए, जो भगवान से जुड़ते हैं उसमें भगवान का अंश आ जाता है, जो सच्चे मन से जुड़ते हैं। तो ये भले ही मनुष्य रूप में दिख रहे हैं लेकिन भगवान इनके अंश, भगवान का अंश इनके अंदर में है। तो निश्चित रूप से एक बार प्रणाम करेंगे, आप माथा पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिएगा एक बार। चलिए आशीर्वाद दे दीजिए, कल्याण हमारे सभी दर्शकों को भी आशीर्वाद दे दीजिए, सभी का कल्याण हो, भगवान नारायण सबकी रक्षा करे। जय श्रीमन्नारायण।